थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संगल दान और संगल दान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको USBRL प्रोजेक्ट के ऊपर बनिहाल संगलदान सेक्शन पर पड़ने वाले एक बहुत ही अहम ब्रिज के ऊपर अपडेट देने जा रहा हूं, जिसका नाम है धर्म ब्रिज। और ये जो ब्रिज है दोस्तों, इसको बनाया गया है बनिहाल संगलदान सेक्शन के अंदर। आखिर इस ब्रिज को हम लोग अभी तक जानते क्यों नहीं थे और इस ब्रिज की क्या खासियत है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज आपको 200 लाइक पूरे करवाने हैं, तो आप लोग लाइक कीजिए और मैं शुरू करता हूं आज की अपनी इस अपडेट को। तो दोस्तों, जो धर्म ब्रिज है वो आपका USBRL प्रोजेक्ट के बनिहाल संगलदान सेक्शन के अंदर ही पड़ता है। इस ब्रिज के बारे में जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार देखिए जरा किस तरीके से 20 फरवरी के दिन यहाँ पे ट्रेनों को बनिहाल संगलदान सेक्शन के अंदर ऑपरेट किया गया। भारी बर्फबारी के अंदर भी ट्रेनें काफी अच्छी रफ्तार में इस नई लाइन के ऊपर दौड़ी थी। तो आइए अब जानते हैं धर्म ब्रिज के बारे में, ये कहाँ पे पड़ता है और इसको क्यों बनाया गया है। और आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से 20 फरवरी के दिन यहाँ पे उद्घाटन वगैरह हुआ और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कश्मीर को इसकी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है, जो कि फाइनली आप लोग कह सकते हैं कि अब ऑपरेट की जा रही है बनिहाल संगलदान सेक्शन के अंदर। और आपको मैं दिखाता हूँ बनिहाल संगलदान सेक्शन के अंदर पड़ने वाले इस धर्म ब्रिज को। देखिए दोस्तों, ये जो धर्म ब्रिज है आपका, ये यहाँ पे बनिहाल संगलदान सेक्शन के T47, T48 और T49, जी हाँ, इन तीनों टनलों के आसपास ही पड़ता है। और एक्चुअली में ये जो ब्रिज है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शायद इंडियन रेलवे में मैंने तो इससे पहले ऐसा कोई ब्रिज नहीं देखा था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। इस ब्रिज के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं और जिसके तहत यहाँ पे इस ब्रिज को बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इसके नीचे कोई कनाल हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे इस ब्रिज को इसलिए बनाया गया हो कि यहाँ पे जो पहाड़ है वो कुछ हिस्से में ना मौजूद हों और इसीलिए इस ब्रिज को बनाया गया हो। वैसे यहाँ की आप लोग जो कंडीशंस देख रहे हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है, यहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनसे यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से रेलवे लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है इन द केस कभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो तो यहाँ पे जो आप लोग कह सकते हैं मलबा वगैरह है वो यहाँ पे ट्रैक के ऊपर ज़्यादा ना आए, इसके लिए इस ब्रिज को ऐसा डिज़ाइन दिया गया है और काफ़ी अच्छी बात है। ये ब्रिज ओवरऑल आपको टनल के जैसा ही लगेगा, लेकिन ये ब्रिज एक्चुअल में काफ़ी अलग है। अगर आप सफ़र करते हैं बनिहाल संगलदान सेक्शन के अंदर तो भी आप लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी ये अलग दिखाई देगा। और यहाँ पे आप इसकी ऊपर से जो व्यू देख रहे हैं उसमें भी आप लोगों को ये ब्रिज काफ़ी अलग दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये ब्रिज काफ़ी छोटा सा है, ऑलमोस्ट 100 मीटर्स का ये ब्रिज होगा। ये जो ब्रिज है ये आपस में दो टनलों को कनेक्ट करता है और इसके आसपास जो टनल्स हैं उनके अंदर भी आप काम देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। अच्छी खासी लाइटनिंग यहाँ पर लगाई गई है और साथ ही में यहाँ पर यूज़ किया गया है रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम, जो कि भारतीय रेलवे के अंदर पहली बार इस्तेमाल किया गया है। ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाए गए हैं और इस ब्रिज को देखकर एक पल को तो लगा कि ये जो यहाँ पे इंजीनियरिंग मार्बल जो यहाँ पे भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने क्रिएट किया है, जो यहाँ पे नॉर्थन रेलवे के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर काम करना कितना मुश्किल है। और आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पे पूरा ये कटरा बनिहाल सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा और बहुत जल्द इनके अंदर वंदे भारत ट्रेन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए, मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपके कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाडी रेल लवर गुलाम पे आके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको छोटी बड़ी अपडेट्स मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।